नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ केसरी है और इस वीडियो को बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं नित्यानंद पाठक जी। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट के बाद मैंने बताया था नॉकआउट में बाई कैसे दी जाती है, उसके बाद मैंने बताया सीडिंग मेथड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने लीग टूर्नामेंट का भी एक मेथड बताया था जो कि साइक्लिक मेथड था। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको लीग टूर्नामेंट का जो सबसे टफ मेथड है जिसका नाम है टेबुलर मेथड। ये सबसे टफ मेथड माना जाता है लीग टूर्नामेंट का फिक्सर बनाने के लिए। आज मैं इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है, टेबुलर मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमको टीम चाहिए होता है। तो मैंने जैसे ए टीम का फिक्सर बनाया मैं, ए टीम, ठीक है, ए टीम मैंने ले लिया। तो टेबुलर मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे हम बनाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए जो फॉर्मूला होता है N+1, यानी जितना भी हम टीम लेते हैं तो उससे हम एक ज़्यादा करके बॉक्स बनाएंगे। और वो बॉक्स देखिए इस तरह हॉरिजॉन्टल में भी और इस तरह वर्टिकल दोनों कॉलम में बनना चाहिए, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल। इसके बाद हम जानते हैं नंबर ऑफ राउंड्स, यानी 8 टीमें जब होंगी तो कितने नंबर ऑफ राउंड्स मैचेस खेले जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है N-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8-1=7, यानी 7 राउंड्स मैच खेले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले चलिए हम फिक्सर बनाते हैं। इसमें सबसे पहले काम किया गया जाता है कि ये जो बॉक्स हमने बनाया है 9 इधर और 9 इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, इसको सबसे पहले हम इस तरह से क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से काट लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अब हमको दो ट्रायंगुलर हाफ में डिवाइड कर लिया गया, ठीक है। दो ट्रायंगुलर हाफ में डिवाइड करने के बाद अब हम जो बची हुई है वहाँ पे हम टीमों का नाम लिखते हैं, ABCDEFGH। ऐसे ही सेम हम यहाँ भी लिख लेते हैं ABCDEFGH। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ राउंड्स की। नंबर ऑफ राउंड्स यानी कितने राउंड्स होंगे, 7। तो हम यहाँ पे बस नंबर रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही 2 के बाद नीचे ये कॉलम नहीं, क्योंकि कटा हुआ है तो इसके तरफ हम नहीं जाएंगे, इसके इस तरफ नंबर नहीं भरे जाएंगे, जो भी नंबर होंगे वो उस तरफ भरे जाएंगे, ठीक है। तो 2 के नीचे कौन सा नंबर आएगा, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। दोस्तों ये लास्ट आपको क्या है, ये लास्ट वाला जो आपका वर्टिकल कॉलम है इसको छोड़ देना है, इसका इवन ऑड का चक्कर है। यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे इसको फील किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद। अब देखिए क्योंकि राउंड हमको 7 ही कराना है तो हम 8 पे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम फिर से रिपीट करेंगे 1, 6 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद यहाँ भी 2, 2 के बाद यहाँ 3, 3 के बाद यहाँ 4। अब लास्ट वाला जो कॉलम मैंने आपको बताया था कैसे भरा जाता है, लास्ट वाला कॉलम भरने के लिए हमको सबसे पहले इवन नंबर से स्टार्ट करना होता है और सिर्फ इवन नंबर ही भरे जाएंगे। तो इवन नंबर सबसे छोटा होगा 2, 4, 6। अभी 8 हम भर सकते थे लेकिन क्या होगा कि वो राउंड से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 7 राउंड मैच कराने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 7, 8 हो जाएगा, तो वो ले ही लेंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अब सबसे छोटा ऑड नंबर का यूज करेंगे। देखिए यहीं पर चेंज करना है और यही लास्ट कॉलम में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका सारा हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैच कैसे खिलाएंगे, यानी पहला राउंड जो होगा उसका मुकाबला। तो हमको मैच कराने के लिए जहाँ पे, यानी ये जो मैंने बताया था आपको, ये सब राउंड्स लिखे गए हैं। तो पहला राउंड का पहला मुकाबला देखिए, हमको एक वर्टिकल लेना है और हॉरिजॉन्टल लेना है, यहाँ मैट्रिक्स टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं A vs B, तो पहला मुकाबला होगा A vs B। इसके बाद दूसरा है 1 किधर और है, जिधर जिधर 1 होगा, जिधर जिधर राउंड लेंगे, पहले राउंड का बना रहे हैं, इसलिए हम जितना भी पहला होगा हम उसको देखेंगे, उसके सामने हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल दोनों देखेंगे, ठीक है। तो C vs G, ठीक है, ये भी हो गया। मैं टिक इसलिए लगा रहा हूं ताकि पता चल जाए हमको कि इनका मुकाबला हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है D vs F, ठीक है, ये भी हो गया। अब 1 यहां बचा, E vs H, सेकेंड राउंड ले लेते हैं, राउंड सेकेंड। अब हम सिर्फ 2 वाले को देखें क्योंकि 1 वाला तो हो गया, तो 2 वाले को देखेंगे। तो A vs C, देखिए यहां पे A है और यहां पे C है, तो A vs C, ठीक है। इसके बाद 2 और कहां पे है,
वी वर्सेस एच, देखिए यहां पे है वी वर्सेस एच, ठीक है। इसके बाद टू कहां पे है आपको दिखा दे रहा है, ये यहां पे डी वर्सेस जी। इसके बाद टू किधर है, ई वर्सेस एफ, राउंड थ्री। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से जितना भी राउंड्स हमको यानी टोटल 7 राउंड्स कराने हैं, सारा हमने देख के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से देख कर कॉलम से ये हम सारा बना लेंगे। और इस तरह से हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है, ठीक है। तो इस कॉलम को बस राउंड भरते वक्त आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का और वीडियो चाहिए फिजिकल्स एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 12th में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।